चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में छापर के पास बना है ताल छापर अभयारण्य। ये अभयारण्य दुनिया में काले हिरणों का एकमात्र अभयारण्य है। यहाँ पर दुर्लभ काले हिरणों को देखा जा सकता है। करीब 729 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य में ये काले हिरण स्वतंत्र होकर विचरण करते हैं। यहाँ पर हिरणों के साथ साथ चिंकारा भी है, तो ये अभयारण्य प्रवासी पक्षी कुर्जा का भी प्रिय स्थान है। इसीलिए हजारों की संख्या में कुर्जा हर साल इस अभयारण्य में आते हैं। हर साल बारिश के मौसम में आसपास की पहाड़ियों का पानी यहाँ छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है और भरपूर मात्रा में घास उगाती है। सुरक्षित स्थान, प्रिय भोजन और पानी, इससे ज्यादा हिरणों को और क्या चाहिए। 400-500 हिरणों के झुंड दिखाई देना यहाँ आम बात है। ये हिरण पानी की तलाश में छोटे छोटे तालाबों के नजदीक टहलते हुए देखे जा सकते हैं, वहीं पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी। हालांकि यहाँ थोड़ी बहुत नीलगायें भी दिखाई देती हैं, पर हिरण जैसे उन्हें पहचानते हैं। इसीलिए जब नीलगाय हिरणों के चारे में हिस्सा बांटने पहुंचती हैं, तो हिरणों के झुंड में कोई हलचल तक नहीं होती। गर्मी के मौसम में वन विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं। टैंकरों से गड्ढों में पानी भरवाया जाता है, ताकि प्यासे हिरणों को पानी के लिए भटकना न पड़े। वहीं हिरणों के लिए घास की कमी हो जाने के बाद यहाँ वन विभाग द्वारा चारे की भी व्यवस्था की जाती है। वे भोजन के समय अभयारण्य के इस कोने में आ जाते हैं और आराम से अपना पेट भरकर फिर घूमने निकल पड़ते हैं, बिना किसी लक्ष्य के किसी भी ओर। और कुछ हिरण शायद कसरत करने के लिए कुलाचे मारते नजर आते हैं। हिरणों का ये झुंड चल पड़ा है गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव में शरण लेने। हिरणों की सुरक्षा के लिए इस अभयारण्य में चारों तरफ फेंसिंग भी की गई है, ताकि अन्य जानवर यहाँ न आ सके। वहीं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जैसे ये मिट्टी की दीवार पानी को रोकने के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है, और इस दीवार पर तरह तरह की घास और झाड़ियां भी उगाई गई हैं, खासतौर पर हिरणों को ज्यादा पसंद आने वाली चीजें। आखिर स्वास्थ्य और स्वाद का ध्यान जो रखना है। रेगिस्तानी इलाके में अभयारण्य का होना ही सुखद है, परंतु इसके साथ ही ये दुर्लभ काले हिरणों की शरण स्थली भी है। और पूरी दुनिया में काले हिरण सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये काले हिरणों का एकमात्र अभयारण्य है। रेगिस्तान के बीच हिरणों का ये अभयारण्य न केवल अपना विशेष आकर्षण रखता है, बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि राजस्थान के लोग पर्यावरण के संतुलन चक्र को बखूबी समझते हैं।